हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छी न्यूज के बारे में। मेरी दिन की पहली जो स्टोरी है वो अच्छी ही है, वो इसलिए क्योंकि आपके जो पवनदीप राजन का भक्ति गीत है जय हो भोले, ये ऑलरेडी 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है और जब तक ये खबर आपके सामने पहुंचेगी तब तक कुछ और ही नंबर इसमें बढ़ चुके होंगे। तो पवनदीप राजन को, सलीम को, उनके म्यूजिक लेबल को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा जा रहा है। श्रद्धा पंडित, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सुंदर सॉन्ग आपने लिखा है जो बहुत आसानी से किसी की भी जुबान पर चढ़ जाता हो। अब यहाँ पर मैं उन फैंस को भी स्पेशल ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ जिन्होंने हैशटैग जय हो भोले इसे ट्रेंड करने के लिए अपना योगदान दिया था। तो ये गाना अगर 1 मिलियन क्रॉस किया है तो इन सारे म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर या लिरिसिस्ट का तो एक इनका योगदान है ही, खास योगदान इन फैंस का भी है। तो स्पेशल थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने हैशटैग जय हो भोले चलाया था। और फिर भोले बाबा जी, आपका आशीर्वाद तो डेफिनेटली बनता ही है इन सारे ही लोगों पर। और मुझे ऐसा लगता है कि 1 मार्च को महाशिवरात्रि है, तब तक ये गाना और लोगों के दिलों में पहुंच जाएगा। अभी और इसे आगे जाना है, आगे बढ़ना है इस गाने को। अब मैं आपको दूसरी खबर बताना चाहती हूँ विच इज रिलेटेड टू अरुणिता कांजीलाल। पिक्चर एक आपके सामने आ गया है, बाबुल, यानी अरुणिता कांजीलाल का नया सॉन्ग एक आ रहा है बाबुल इस नाम से। और जो लेकर आ रहे हैं वो है पवनदीप राजन के भाई चॉकलेट पाई। सो चॉकलेट पाई के लेबल से, यानी कि म्यूजिक पाई इस लेबल के अंदर में ये गाना आ रहा है। और इसकी कुछ एक डिटेल्स जो मेरे पास अभी तक आई है मैं आपसे वो भी शेयर करने के लिए आ गई हूँ। इसके जो डायरेक्टर हैं जोई राजन है। जोई राजन मराठी फिल्म इंडस्ट्री एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इट्स अ क्वाइट अ नोन नेम। और आपको सिंपल याद दिलाना चाहती हूँ, ये वही है कि जिन्होंने इंडियन आइडल की जो फाइनलिस्ट रही है साइली कांबले, उनका जैसे ही फिनाले हुआ उसके 2 दिन के अंदर अंदर ही इनका पहला मराठी गाना रिकॉर्ड कर दिया था, यानी कि मराठी फिल्म में इनको ब्रेक मिल चुका है। कोल्हापुर डायरीज नाम की इस फिल्म में साइली को उन्होंने ब्रेक दिया है और वो भी अवधूत गुप्ते जैसे जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साइली को यह मौका दिया है। अब अरुणिता का नंबर आ गया है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। अरुणिता का साथ जो मिला है इस गाने में, जोई राजन ने तो सर्टनली डायरेक्ट किया ही है ये एल्बम। सिंगर अरुणिता के अलावा विपिन पटवा है। अब विपिन पटवा ये भी एक जाना माना नाम है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड में ये एक जाना माना नाम है। जोई राजन के साथ ही ये पहले भी लव यू सोनिया के साथ, इस फिल्म के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू कर चुके हैं एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। ये सोनू निगम, शान, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान जैसे जाने माने सिंगर्स के साथ काम कर चुके हैं और अरुणिता के साथ गाना भी गा रहे हैं और म्यूजिक डायरेक्टर तो है ही। लेकिन इस दौरान आपके सामने दो दो राजन जी दिखाई देने वाले हैं, वो इसलिए क्योंकि पवनदीप राजन तो सर्टनली है इस गाने में। जो म्यूजिक अरेंजमेंट किया है वो पवनदीप राजन की तरफ से आया है और मुझे लगता है अरुदीप की ये जोड़ी ना कहीं भी रहेगी एक एक सफलता की गारंटी है। बट मेरे हिसाब से ये जो गाना है बाबुल, नाम से समझ में आता है कि एक बेटी अपने पिता को कैसे याद करती है या क्या संवाद करती होगी, कुछ ऐसा सा सॉन्ग यहाँ बैठकर मुझे प्रतीत हो रहा है। अब लेट्स सी ये आपके सामने जब आएगा तो किस रंग को लेकर आएगा और अरुणिता की आवाज में ऐसा कौन सा पहलू है जो आपके सामने आएगा। सो ईगरली वेटिंग। अब इस पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है लिख कर बताइए। जय हिंद।